नगर पंचायत बहादुरगंज को लाखों रुपए का राजस्व देने वाला जहान अली मस्तान बस टर्मिनल एलआरपी चौक बहादुरगंज आज प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। व्यवस्था का हाल ये है कि बस टर्मिनल से स्थानीय नब को सालाना तकरीबन 12 से 13 लाख की राजस्व प्राप्ति होती है, परंतु आम यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं किसी बड़ी संकट से कम नहीं। बस टर्मिनल के मुख्य द्वार पर जल जमाव व कीचड़ में अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है, बावजूद इसके नप प्रशासन खामोशी साधे हुए हैं। एवज में व्यवस्था से परेशान आम यात्री भी स्थानीय नप वाहन यहां बस टर्मिनल परिसर में प्रवेश करने से गुरेज करते हैं। नतीजा सामने है कि अधिकांश ही यात्री वाहन यहां के अलग अलग चारों रूटों पर ही सड़क किनारे खड़ी कर दिए जाते हैं। यहां आए दिन विभिन्न चौक चौराहों पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रोफेसर मसबीर आलम ने परिस्थिति पर आश्चर्य जताते हुए बताया कि लाखों की राजस्व देने वाला बस टर्मिनल आज कुव्यवस्था की चपेट में है, जिस पर नप प्रशासन या फिर यहां के किसी भी जन प्रतिनिधि का नजर आकृष्ट नहीं हो पा रहा, जो समझ से परे है। प्रोफेसर मसबीर आलम ने आज यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर जिला प्रशासन का ध्यान भौगोलिक लिहाज से इतने महत्वपूर्ण बस टर्मिनल की बदहाली की तरफ आकृष्ट करवाते हुए शीघ्र ही ठोस प्रशासनिक पहल का आग्रह किया है। किशनगंज से आसिफ इकबाल की रिपोर्ट।